हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप लोग। आज मैं यार आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कुछ बेस्ट बिजनेस लैपटॉप और कुछ एंट्री लेवल के गेमिंग लैपटॉप्स जिसमें आपको मिड रेंज की गेमिंग हो सकती है लाइक GTA 5 एंड PUBG वगैरह रन कर जाए। लेकिन अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप ही चाहिए तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप देख लो। और मैंने उसमें कई सारे गेमिंग लैपटॉप्स आपको सजेस्ट किए अकॉर्डिंग टू योर बजट, और लास्ट में मैंने एक बेस्ट अपनी चॉइस सजेस्ट किए जिसे मैं खुद लेने वाला हूँ। अगर आपको गेमिंग लैपटॉप लेना है तो उस वीडियो को देख लो, अगर आपको बिजनेस लैपटॉप लेना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पिछली बार की तरह इस वीडियो को भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। पहला बजट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 25-35K का, और दूसरा बजट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 40-50K का। इससे अबव जो लैपटॉप अगर आपको लेने हैं तो उनमें से भी मैं एक लैपटॉप सजेस्ट कर दूंगा अगर आप बिजनेस लैपटॉप में कुछ प्रीमियम चॉइस रखते हो उनके लिए। और मोस्टली लोग जो महंगा लैपटॉप लेते हैं वो गेमिंग लैपटॉप ही लेते हैं, इसलिए मैंने महंगे में एक गेमिंग लैपटॉप की अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ बेस्ट लैपटॉप 25K से 35K के बीच में। सो पहला लैपटॉप जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है Lenovo IdeaPad 130। तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है i3 7th जनरेशन और आपको 1TB हार्ड ड्राइव मिलती है। और मेन थिंग जो बाकी लैपटॉप्स में, इस बजट के बाकी लैपटॉप्स में नहीं मिलती है, वो है 1080p का डिस्प्ले। हाँ, इस लैपटॉप का प्राइस है 26,000 से 27,000 के आसपास, फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा। और इस लैपटॉप में आपको 1080p का डिस्प्ले मिलता है, जो बाकी लैपटॉप जो Asus और HP वगैरह के इसी बजट में आते हैं उनमें आपको 720p का डिस्प्ले मिलता है। इसलिए मैं आपको ये लैपटॉप सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि 1080p का डिस्प्ले ऑब्वियसली 720p के डिस्प्ले से थोड़ा सा अच्छा ही है। तो नेक्स्ट लैपटॉप जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है Asus का Vivo Book 14 का Ryzen 5 वाला मॉडल। तो ये लैपटॉप का मेन हाईलाइट है Ryzen 5 का प्रोसेसर जिसमें आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर लोगे। 8GB का रैम मिलता है आपको, 256GB का सॉलिड स्टेट ड्राइव और 1TB का हार्ड ड्राइव आपको मिलता है। डिस्प्ले आपको 14 इंच का ही मिलेगा, बिजनेस लैपटॉप है तो आपको साइज, डिस्प्ले का साइज मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका एक और वेरिएंट आता है 15 इंचेस का जिसमें आपको रैम कम मिलेगी, 4GB का ही रैम मिलेगा। उसका प्राइस है सिर्फ ₹10 ज़्यादा इस लैपटॉप से। हाँ, इस लैपटॉप का प्राइस है ₹34,990, और वो जो लैपटॉप है इसी के आइडेंटिकल जिसमें आपको 4GB का सिर्फ रैम मिलता है और बाकी सारी चीज़ यही मिलती है, उसका प्राइस है ₹35,000। तो ये अगर काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो आप टेंशन मत लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन सा बेस्ट आपको बाय करना है। आपको बाय करना है 34,990 वाले जिसमें आपको 8GB का रैम मिलता है और साइज डिस्प्ले का थोड़ा सा छोटा है 14 इंचेस। तो यार कोई बात नहीं, बिजनेस लैपटॉप में साइज जितना छोटा है उतना अच्छा होता है, बैकपैक में आपके आसानी से आ जाएगा और काफ़ी कॉम्पैक्ट रहेगा, काफ़ी हल्का रहेगा। फिंगरप्रिंट भी आपको दोनों लैपटॉप में मिलता है, तो फिंगरप्रिंट और सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है, इस बजट में आपको फिंगरप्रिंट मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। सो ये थे कुछ बेस्ट लैपटॉप 25 से 35K के रेंज के बीच में। अब मैं आपको बता देता हूँ 40K से 50K के बीच में कुछ बेस्ट लैपटॉप्स। तो लास्ट मैंने जो Vivo Book 14 बताया था उसमें भी Ryzen 5 प्रोसेसर, 8GB रैम होने की वजह से GTA 5 आपका ठीक ठाक चल सकता है। तो लेकिन इस रेंज में जो मैं लैपटॉप बताऊँगा उसमें आपका GTA 5 आराम से मीडियम पे 60fps दे देगा, 50 से 60 का फ्रेम रेट दे देगा। अगर आप और थोड़ा ग्राफिक्स वगैरह कम करोगे तो 60fps आराम से मिल जाएगा, हाई पे आपका 30 का फ्रेम रेट दे देगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ जो आगे मैं लैपटॉप बताने वाला हूँ उनमें, ताकि मुझे इंडिविजुअली ना बताना पड़े। सो पहला लैपटॉप जो मैं आपको बता दे रहा हूँ जिसका प्राइस अराउंड 40,000 बिलो ही है, 40,000 भी नहीं, 40,000 बिलो है, हाँ 37 से 39 के आसपास का इसका प्राइस है। प्रॉब्लम ये है कि ये अभी अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है, आप इसे ऑफलाइन मार्केट में सर्च कर सकते हो। हाँ, Lenovo का IdeaPad S145। सो जो इसके मेन स्पेक्स हैं वो है इंटेल i5 10th जनरेशन। हाँ भाई, 10th जनरेशन इस बजट में मिलना बहुत ही मुश्किल है। 1TB का हार्ड ड्राइव है और कोई SSD नहीं मिलता आपको, 8GB का रैम मिलता है आपको, 15 इंच का डिस्प्ले है और कुछ प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं आपको। सो अभी ये लैपटॉप अवेलेबल नहीं है अमेज़ॉन पे, जैसे ही अवेलेबल होगा मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। सो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार इसी बात पे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ हमेशा। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैं आपको अगला लैपटॉप जो बताता हूँ वो लैपटॉप जो है एक गेमिंग ही लैपटॉप है जो कि आपको कम बजट में मिलता है। तो अगर आप एक बिजनेस विथ गेमिंग लैपटॉप चाहते हो तो ये लैपटॉप आपके लिए है। जी हाँ, Asus का TUF Gaming FX705D। तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है AMD का Ryzen 5 का प्रोसेसर और GTX 1050 3GB का ग्राफिक कार्ड भी आपको मिलता है, 8GB का रैम मिलता है आपको, 1TB की हार्ड ड्राइव मिलती है
और आपको SSD नहीं मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लैपटॉप 17 इंचेस का है, बिजनेस लैपटॉप मतलब थोड़ा छोटा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, तो ये लैपटॉप थोड़ा बड़ा है, ये एक इसकी प्रॉब्लम है। RGB वगैरह भी आपको मिलती है, देख सकते हो साइड से थोड़ा सा मोटा है। तो ये लैपटॉप उनके लिए जो एक गेमिंग लैपटॉप बाय करना चाहते हैं लेकिन वो बाय नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू बजट, जिनका बजट 50 बिलो ही है, तो भाई ये लैपटॉप ले लो, आपको बजट की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लैपटॉप ले लो, गेमिंग करो। लेकिन नेक्स्ट लैपटॉप जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ट्रू बिजनेस लैपटॉप है, उसमें आप गेमिंग भी कर पाओगे ठीक ठाक लेवल पे, इतने ही लेवल पे मैं कहूँगा, लेकिन उसका प्राइस है 52,000। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ASUS का Vivo Book 14 का ये मॉडल। सो ये जो मॉडल है इसमें आपको मिलता है इंटेल का i5 8 जेनरेशन का प्रोसेसर और आपको GPU मिलता है MX का 252 GB, 8 GB की रैम मिलती है जिसमें आपका GTA 5 और PUBG PC आराम से चल जाएंगे, और आपको मिलता है 14 इंच का 1080p डिस्प्ले जो काफी कॉम्पैक्ट होगा लैपटॉप, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है आपको, और साथ ही साथ आपको मिलता है 512 GB SSD। परफेक्ट बिजनेस लैपटॉप, बिल्कुल ही स्लिम है, आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है और भी मतलब सारी बिजनेस लैपटॉप वाले फीचर मिलते हैं, बिल्कुल स्लिम। 3-4 कलर्स में आता है ये, तीन कलर्स में आता है ये, ब्लैक में आता है और एक ये सिल्वर देख रहे हो आप, और एक और साथ पर्पल कलर में आता है। तो इसका प्राइस है 52,000 के आसपास, सो फ्लिपकार्ट पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, तो जल्दी से ऑर्डर कर लो वरना कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए क्या पता। सो अब मैं आपको बता देता हूँ एक वो प्रीमियम लैपटॉप जो मैंने कहा था कि हाँ एक प्रीमियम लैपटॉप मैं बताऊँगा जिनके लिए बजट कोई खास इशू नहीं है, तो इस लैपटॉप का प्राइस अराउंड 89,000 ये, लेकिन काफ़ी प्रीमियम लैपटॉप है। तो ये लैपटॉप है आपका ASUS का ZenBook Pro Duo। इस लैपटॉप में आपको स्क्रीन पैड प्लस मिलता है, इट मीन्स एडिटिंग के लिए आपको काफ़ी अच्छा रहेगा ये लैपटॉप, मल्टी स्क्रीनिंग जो करते हैं मॉनिटर में PC कस्टम PC बिल्ड करके, तो यार ये आपका लैपटॉप ही काम कर देगा। बात करें इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन की, तो आपको मिलता है इंटेल का i5 8 जनरेशन, GPU वही आपको मिलता है MX 250 2GB वाला, और 8GB की रैम मिलती है आपको, 14 इंच का डिस्प्ले 1080p का आपको मिलता है, 512GB की SSD, और आपको स्क्रीन पैड प्लस मिलता ही मिलता है। और इसकी एक मेन हाईलाइट जो है वो ये है कि इसके टच पैड को आप नम पैड भी बना सकते हो। जी हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि नम पैड, इसको आदत है माउस कनेक्ट करो, नम पैड इसे बना लो, यूज़ करो। और बाकी लैपटॉप काफ़ी स्लिम है, टाइप सी पोर्ट वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, बिल्कुल ही अच्छा लैपटॉप है। सो ये थे कुछ बिजनेस लैपटॉप, कोशिश मैंने यही की कि हर कैटेगरी को कवर कर लिया जाए और हर बजट को कवर अप करके और हर टाइप में मैं आपको एक बेस्ट लैपटॉप सजेस्ट कर दूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी टेक से रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।